नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टार जी के 23 में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ भी लाइक ऑन को भी दबा दे। दोस्तों आपको बता दें कि आज हमारे आपको बता दें कि दोस्तों आज बता दें कि आज मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का लक्ष्मी जी का आज का दिन ही जन्मदिन था। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर मुत्तु रेड्डी को देश में पहली महिला विधायक के रूप में याद किया जाता है। मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी जो थी पहली महिला विधायक के रूप में थी, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं, जानते हैं कि मुत्तु लक्ष्मी भी लड़के के स्कूल में दाखिल लेने वाले देश की पहली महिला बने। मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी थी जो भारत में पहली महिला बनी बच्चे के स्कूल में दाखिल लेने वाले। इसके अलावा मुत्तु लक्ष्मी देश की पहली मेडिकल ग्रेजुएट महिला डॉक्टर भी बनी। मुत्तु जीवन भर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रही और देश की आजादी की लड़ाई में भी उन्हें बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। उनका जन्म 30 जुलाई 1886 पुदुकोटे राज्य में हुआ था। मृत्यु भी 22 जुलाई 1968 चेन्नई में हुआ। शिक्षा मद्रास मेडिकल कॉलेज में किया गया था उनका शिक्षा मद्रास मेडिकल कॉलेज में, और पुरस्कार मिला था उनको पद विभूषण 1956 ईस्वी में। उनके बच्चे का नाम था डॉक्टर एस कृष्णमूर्ति और मिम्मी एस रामबाजा मोहन। ठीक है दोस्तों, यही थी आपका कृष्णमूर्ति, यही है मुत्तु रेड्डी लक्ष्मी रेड्डी। ठीक है दोस्तों, यही आपका थी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जो भी मेरा वीडियो अपडेट हमेशा होता रहे वो हमेशा आपको देता रहूं। दोस्तों आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी है हमारे पास, जानकारी को थोड़ा सा देखते हैं हम। कौन थी मुत्तु लक्ष्मी। 30 जुलाई 1886 में तमिलनाडु मद्रास में है जन्मी मुत्तु लक्ष्मी को भी बचपन से ही पढ़ने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मुत्तु के पिता एस नारायण स्वामी चेन्नई के महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मुत्तु की माँ चंद्रमाई ने समाज के तीन तानों के बावजूद उन्हें पढ़ने के लिए भेजा। उन्होंने भी माता पिता को निराश नहीं किया और देश की पहली महिला डॉक्टर बनी। थी मुत्तु की माँ चंद्रमाई, महिला अधिकार कार्यकर्ता और फ्रीडम फाइटर। अपनी मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान भी एक बार मुत्तु को कांग्रेस नेता और फ्रीडम फाइटर सरोजिनी नायडू से मिलने का मौका मिला। बस यही तो उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और देश की आजादी के लड़ने की कसम खाई। इसी दिन से स्टार्ट हो गया था महिलाओं के लड़ने के कसम खाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने इंग्लैंड जाकर आगे पढ़ने का मौका भी मिला, लेकिन उन्होंने इसे छोड़कर वे न्यू इंडिया एसोसिएशन के लिए काम करना ज्यादा समझ लिए। मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल से बनी देश की पहली विधायक मुत्तु को साल 1927 में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में से देश की पहली महिला विधायक बनने का गौरव भी हासिल हुआ। उन्होंने समाज और औरतों के लिए किए गए अपने काम के लिए काउंसिल में जगह दी और साल 1956 में समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अंदी जोशु 31 मार्च 1856 से 26 फरवरी 1857 में पुणे शहर में जन्मी पहली भारतीय महिला थी।
ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे दोस्तों, जो भी ताकि जो भी अपडेट हमारे पास आता रहे वो हमेशा आपको दोस्तों मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। Thank you.